क्लास माय नेम इज दीपाली गुप्ता। आज हम हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 11। देखिए 11 चैप्टर में हम पढ़ रहे थे पेरी के बारे में, पेरी और बेड, शीतोष्ण धार्स के मैदान, मैदानों के में जो जीवन था उसके चैप्टर था हमारा। उसमें हम पेरी और बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। पेरी क्या होते हैं? जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान होते हैं उन्हें पेरी कहते हैं, और जो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान होते हैं उन्हें बेल्ट कहते हैं। पेरी में हमने जलवायु पढ़ ली थी, व्यवसाय पढ़ लिया था। व्यवसाय में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो एक बड़े पैमाने पर की जाती है। वहाँ पे विस्तृत खेती होती है क्योंकि जो वहाँ पे जमीन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसी का व्यवसाय का ये कुछ पार्ट है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गेहूँ का उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक होता है, इसलिए कनाडा तथा अमेरिका दोनों देश इसका निर्यात मुख्यतः यूरोपीय देशों में करते हैं। अत्यधिक गेहूँ उत्पादन के कारण पेरी का को विश्व का अन्न भंडार भी कहा जाता है। देखिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है, तो पेरी को विश्व का अन्न भंडार कहा जाता है। पूर्वी क्षेत्र अत्यधिक शुष्क है और यहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये क्षेत्र घास के मैदान है जो चारगाह के रूप में काम आते हैं, इसलिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। यहाँ के विशाल पशु फार्मों को रेंज कहते हैं। यहाँ के विशाल घास के मैदान जंतुओं के लिए प्रचुर मात्रा में घास उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पाले जाने वाले मुख्य पशु बकरी, भेड़, घोड़े तथा सुअर हैं। ये पशु दूध, मांस, खाल व ऊन के लिए पाले जाते हैं। इन रेंचों का रखरखाव हस्तपुष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें काबाऊ कहते हैं। ये काबाऊ घोड़ों पर सवार होकर अपने फार्मों की देखभाल करते हैं। रेंच पशुओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त होते हैं। इन पशुओं को घास के अतिरिक्त मक्का तथा जई भी खिलाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा होगा कि पशुपालन करते हैं, तो ऐसे ही जहाँ जो पेरी है वहाँ पे पशुपालन का भी एक व्यवसाय है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। पशुओं के अतिचारण तथा अन्य विकास कार्यों की प्रगति के फलस्वरूप इन देशों इन क्षेत्रों में मृदा अपरदन बड़े पैमाने पर होता है, जिस कारण कृषि उत्पादन में कमी आई है और सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पशुपालन सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए अब ये जो पशुपालन वाला है ये किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा। अब पढ़ते हैं हम वन्य जीव के बारे में। किसी समय पेरी में वन्य जीवों की अधिकता थी, लेकिन कृषि व पशुपालन ने वन्य जीवों का अत्यधिक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंचा दिया है। यहाँ मुख्य रूप से पाए जाने वाले जंतु जंगली भैंसा यानी जिसे बिसन था, लेकिन अत्यधिक शिकार किए जाने के कारण यह लगभग विलुप्त हो चुका है। अभी यह संरक्षित प्रजाति है। अन्य संकटग्रस्त प्रजातियाँ बारहसिंगा तथा हिरण की है। पेरी कुत्ता एक प्रकार का कृतंग जीव है जो भोक्ता भी है। अब यह भी एक संकटग्रस्त जीव है। आगे पढ़ेंगे हम जनजीवन के बारे में। पेरी के लोगों के दो मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। देखिए जो हमने आगे इससे पहले पढ़ा था व्यवसाय में, जो वहाँ के लोग हैं पेरी के, उनके मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि व पशुपालन है। कृषि के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के लोग धनी हैं तथा सभी प्रकार के कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं। विस्तृत सड़क मार्गों व रेल मार्गों का विकास होने के कारण यहाँ कृषि फार्म और विस्तृत हो गए हैं। यातायात के साधनों ने अन्य उद्योगों को भी विकसित किया है। पेरी कृषि यहाँ एक मुख्य व्यवसाय है। कृषि व डेयरी कृषि ने कृषि पर आधारित असंख्य उद्योगों का आधार दिया है। कोयला तथा लोहा जैसे खनिजों की संख्या खोज ने भी इस क्षेत्र को विकसित किया है। वर्तमान में यह एक अत्यधिक विकसित क्षेत्र है। अब देखिए हमने पेरी के बारे में सब चीज़ पढ़ ली, जनजीवन पढ़ लिया, व्यवसाय पढ़ लिया, हमने जलवायु पढ़ ली और औद्योगिक भौगोलिक स्थिति भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बेल्ट के बारे में। बेल्ट यानी दक्षिण अफ्रीका के जो मैदान होते हैं उन्हें बेल्ट कहा जाता है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों का स्थायी नाम बेल्ट है। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। ये पूर्व में ड्रेकेसबर्ग पर्वत श्रेणी तथा पश्चिम में कालाहारी मरुस्थल से घिरा है।
अब इसमें जैसे हमने उसमें भौगोलिक स्थिति पढ़ी थी, अब हम इसमें भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति, बेल्ट 600 मीटर से 1600 मीटर तक ऊंचे पठार हैं। इनका उत्तर पूर्वी भाग बेल्ट उच्च बेल्ट कहलाता है, जिसकी ऊंचाई 1100 से, यहाँ पे हमारा कुछ वर्ड दिख नहीं रहा है, वो है हमारा 1600। ठीक है, क्या है यहाँ पर 1600 मीटर के मध्य है। मध्य बेल्ट की समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर से 1100 मीटर के मध्य है। अब पढ़ते हैं हम जलवायु। बेल्ट की जलवायु शुष्क है, क्योंकि महाद्वीपों के आंतरिक भागों में स्थित है। महासागरों से उठने वाली पवने मार्ग में किसी भी बाधा न होने के कारण आगे बढ़ जाती रहते हैं। यहाँ वर्षा 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखिए, यहाँ का जो तापमान जलवायु है शुष्क है, क्योंकि जो हवाएं हैं जो मार उसमें बीच में कोई भी बाधा नहीं है, जिस कारण है सीधी यहाँ आती हैं। ये क्षेत्र महासागरों के निकट स्थित होते हैं। इनके पश्चिम से अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर। महासागर शीतोष्ण प्रभाव के कारण उच्च बेल्ट में पाला पड़ता है। देखिए, जहाँ उच्च बेल्ट होता है वहाँ पे अत्यधिक ठंड रहती नहीं, पाला पड़ता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म व नम होती है, जबकि शीत ऋतु ठंडी व शुष्क होती है। इस प्रकार यहाँ की जलवायु शीतोष्ण तथा ऋतु की अवधि छोटी होती है। यहाँ तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 10 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। देखिए, यहाँ पे अत्यधिक मतलब कि ठंड होती है। सर्दियों में रात्रि का तापमान निम्न बिंदुओं से भी नीचे चला जाता है। वर्षा अधिकांश गर्मियों के महीने नवंबर से फरवरी में होती है। देखिए, जो यहाँ वर्षा होती है वो कब होती है, नवंबर से फरवरी के महीने में होती है। अब हमारा वन्य जीव, वन्य जीव एवं कृषि। घास के मैदान, देखिए यहाँ पे बारिश अधिक है तो यहाँ पे उगने वाली जो फसलें होंगी वो अलग होंगी। घास के मैदान अत्यधिक होने के कारण यहाँ अनेक प्रकार के चरने वाले जंतु जैसे जिराफ तथा हिरण पाए जाते हैं। उनके पीछे उनका शिकार करने वाले जंतु जैसे शेर, तेंदुआ तथा चीता आते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में पशुपालन प्रारंभ होने के कारण वन्यजीव संकटग्रस्त हो गया है। बेल्ट पशुपालन के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। पशुपालन दूध, मांस तथा चमड़े के लिए किया जाता है। यहाँ कुछ फसलें जैसे मक्का, कपास, तंबाकू, फल तथा सब्जियां भी उगाई जाती हैं। कुछ कृषक एक ही फार्म में कृषि व पशुपालन दोनों करते हैं, जिसे मिश्रित कृषि कहते हैं। देखिए, मिश्रित कृषि के बारे में आपको बताया गया था, जिसमें दो काम एक साथ किए जाते हैं, यानी पशुपालन और कौन सा कृषि, दोनों एक जहाँ मतलब कि फसलें भी उगाई जाती हैं और पशु को भी पाला जाता है, वो हमारी मिश्रित कृषि कहलाती है। अब आता है उद्योग। देखिए, उद्योग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं कच्चे माल, रॉ मटेरियल, जो हमें कृषि से प्राप्त होता है। बेल्ट में खनिज जैसे लोहा, सोना, हीरा तथा कोयले की खाने हैं। किम्बर्ली में स्थित हीरे की खान विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन खनिजों पर आधारित यहाँ बहुत से उद्योग विकसित हुए हैं। प्रिटोरिया उद्योग का विशाल केंद्र है। खानों की खुदाई उद्योगों ने दक्षिण अफ्रीका को अफ्रीका का औद्योगिक राष्ट्र बना दिया है। उद्योगों व डेयरी कृषि के उत्पादन के बड़े पैमाने पर निर्यात भी किया जाता है। देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया कि उद्योग में क्या है, जो खाने हैं लोहे की, सोने की और हीरे की और कोयले की खाने, यहाँ पर इनके उद्योग का एक बहुत बड़ा स्रोत है। और यहाँ पर उद्योग में क्या, जो हमारे फसलों के कृषि और डेयरी उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं जनजीवन के बारे में। यहाँ के लोग धनी हैं, जो अधिकांश पशुपालन उद्योग व खनिजों की खुदाई के व्यवसायों में संलग्न है। बड़ी संख्या में लोग माल को लाने व ले जाने का भी कार्य करते हैं। देखिए, इसमें हमने पढ़ा जनजीवन के बारे में, दोनों जो हमने पेरी और वेल्ड है उनमें तुलना की है, उनके जनजीवन के बारे में, उनके उद्योग के बारे में, व्यवसाय के बारे में हमने पढ़ा है, और वहाँ की जलवायु किस तरह प्रकार की है, उनकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, हमने उन दोनों के बारे में यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी किया है और उनके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी भी ली है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।